हेलो फ्रेंड्स, मुँ अभिषेक आपको सेंट्रल लैंड ओडिशा गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल स्वागत जनावि। फ्रेंड्स देखते आपंकर बीपीएनएल रिक्रुटमेंट आई 2021 मुझे आपको बीपीएनएल फुल फॉर्म आगे जनदेवि आपको और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी कथा जी आम देखा आपंकर 2325 कोटी 2325 कोटी पोस्ट वैकेंसी रही है। सैलरी पर मंथ कथा जी आम देखा आपंकर 25,000 टका पर मंथ सैलरी र एवं शिक्षागत योग्यता विषय जब आम देखा आपंकर 10th प्लस टू पास करते जॉब रही आम ओडिशा समस्त जिलार प्रार्थी उभय पुरुष और महिला मैंने जॉब गुड़े सब आवेदन करेंगे। फ्रेंड्स देखो आपण मैंने जब प्रथम कर चैनल को बर्तमान भिजिट करम चैनल टी बर्तमान सब्सक्राइब करनी कारण आपण मैंने सब गवर्नमेंट जॉब अपडेट नोटिफिकेशन वीडियो माध्यम से सर्वप्रथमें पाइपे जदि आप चैनल टू सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अल्रे प्रेस कर रखिथे। फ्रेंड्स देखो ऑर्गेनाइजेशन नेम कथा जी आम देखा आपंकर ऑर्गेनाइजेशन नेम रही भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड बीपीएनएल तरफ आप रिक्रुटमेंट आई मैंने आवेदन करें हु क्यान आप्लाय ऑल ओडिशा कैंडिडेट आम ओडिशा समस्त जिलार प्रार्थी आवेदन करें। जेंडर कथा जी आम कथा बोथ मेल एंड फीमेल उभय पुरुष और महिला मैंने जॉब गुड़े सब आवेदन करें। अप्लाई मोड कथा जी आम देखा आपंकर अप्लाई मोड रोचे ऑनलाइन आपको ऑनलाइन माध्यम निज घर बस मोबाइल कंप्यूटर कि लैपटॉप साहब यह आवेदन करें। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी कथा जी आम देखा आपंकर 2325 कोटी 2325 कोटी पोस्ट वैकेंसी एवं पोस्ट नेम कथा जी आम देखा आपंप क्यों क्यों पोस्ट वैकेंसी रही आपंकर योजना संचार अधिकारी आपंकर वैकेंसी रही है 75 गोटी पोस्ट वैकेंसी रही योजना प्रसार अधिकारी आप 375 गोटी पोस्ट वैकेंसी रही योजना सहायक वैकेंसी रही है 1875 1875 गोटी पोस्ट वैकेंसी रही। सैलरी पर मंथ कथा जी आम देखा आपंकर सैलरी कौन रोचे योजना संचार अधिकारी आप 25,000 टाँग पर मंथ सैलरी रही है। योजना प्रसार अधिकारी आप 22,000 टाँग पर मंथ सैलरी रही है और योजना सहायक आप 20,000 टाँग पर मंथ सैलरी रही है। यही भाव में आप मंथ सैलरी रही है जोटा कि बहुत भल सैलरी आपंकर आसीज। फ्रेंड्स देखते आप सब कौन कौन डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़ो ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आवश्यक पड़ो कास्ट सर्टिफिकेट आपंकर आवश्यक पड़ो टू रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपंकर आवश्यक पड़ो और आधार कार्ड पैन कार्ड और वोटर कार्ड भितर आपको आवश्यक पड़ो आपंकर आइडेंटिटी प्रूफ भाई एटा सब ऑनलाइन आवेदन टाइम एगुड़ा आवश्यक पड़ो। आपंकर एज लिमिट कथा जब आम देखा मिनिमम एज लिमिट रोचे 21 वर्ष और मैक्सीम एज लिमिट रोचे 45 वर्ष आपको जब मिनिमम 21 रु 45 वर्ष बयस होती आप जॉब गुड़ा सब आवेदन करें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कथा जब आम देखा आपंकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो कौन आपंकर क्यों जॉब पे 10th रही क्यों जॉब पे प्लस टू रही क्यों जॉब पे बैचलर डिग्री रही आपको ऑनलाइन आवेदन टाइम जनईदेवी आप क्यों जॉब पे क्यों क्यों सब पोस्ट क्यों क्यों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आवश्यक आपन ऑनलाइन टाइम आवेदन टाइम जानपरेंगे। देखो आपण मैंने जॉब टू किभली ऑनलाइन सहायता आवेदन करेंगे मुझ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑनलाइन लिंक टी शेयर कर देती आपन डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाके क्लिक कला आपन गोटे ये इंटरफेस खोलिक आसवे इंटरफेस खोलिक आसला देखते आप स्क्रॉल डाउन करेंगे स्क्रॉल डाउन कला देखते आप कौन रोचे जॉब टाइप आपण को जो जॉब टाइप देती आपड़ जॉब टाइप उपर क्लिक करेंगे देखते आपर से सब जॉब लिखाई मुझे जो जॉब गुड़ा सब कही लिखाई योजना संचार अधिकारी योजना प्रसार अधिकारी और योजना सहायक वैकेंसी आखंतु आप जो जॉब एलिजिबल होते से जॉब को आप आवेदन करने देखते आप योजना संचार अधिकारी क्लिक करेंगे देखते आप योजना संचार अधिकारी क्लिक कलापर आप क्वालिफिकेशन एथ नौ ग्रेजुएशन आपड़ जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तो आप योजना संचार अधिकारी आवेदन करें। नेक्स्ट देखिए आप योजना प्रसार अधिकारी देखते से आपको 12th आप प्लस टू पास करेंगे तो आप योजना प्रसार अधिकारी वैकेंसी आवेदन करें। आप थर्ड रही योजना सहायक आप योजना सहायक आप क्लिक करेंगे देखते आप 10th टे पास करेंगे तो आप योजना सहायक आवेदन करेंगे पर जॉब टाइप आपन देला देन देखिए आप नेम देबे मोबाइल नंबर देबे फादर्स नेम तबरे फादर्स मोबाइल नंबर देबे डेट ऑफ बर्थ देबे ईमेल आईडी देबे देन आप एड्रेस देबे स्टेट देबे डिस्ट्रिक्ट देबे तहसील देबे ग्राम पंचायत देबे पिन कोड देबे तापर आप फोटो इमेज देबे आप मैक्सिमम 100 के भीतर आप पासपोर्ट टी आप सिग्नेचर देबे टर्म्स एंड कंडीशन उपर टिक मार्क करेंगे तापर आप प्रिंट कर देबे टर्म्स एंड कंडीशन को नेक्स्ट उपर क्लिक करके आप भाव में ऑनलाइन आवेदन करें। जदि कौन आप प्रॉब्लम हुए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जनईदे आम आपको संपूर्ण रूप से सहायता करूँ। देखो अनेक एकेडमी होची इंडियास लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म सिस्टम आपण मैंने
ଯଦି କିଛି ବି କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନ୍ ଏକାଡେମୀ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଟିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅପରଚୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଅନ୍ ଏକାଡେମୀ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବି ଏଡ୍ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଚ୍ 8 ମଧ୍ୟ 17 November ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଏବଂ OCS ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଚ୍ 9 ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ 24 November ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଥରେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଚ୍ 2 ମଧ୍ୟ 29 November ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ ଥରେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ ଥରେ ଦେଖିବା, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 30 November, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ କମ୍ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ ହେବେ, ଏହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିନେବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ ଥରେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି 3 ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇ କରାଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ, ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଏହି 3 ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ।